सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की बात करें कि आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 मोबाइल में दोस्तों आप फोटो और वीडियो को कैसे हाइड करेंगे। दोस्तों फोटो और वीडियो को गैलरी से कैसे हाइड कर पाएंगे, तो दोस्तों करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की एक फाइल्स नाम से एप्लीकेशन रहती है, आपको उसको ओपन कर लेना है। और जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी आप फोटो और वीडियो को हाइड करना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सेव फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आ जाएगा और आप के अलावा दूसरा कोई इसको देख नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एक पिन सेट हुआ होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल की कोई भी फोटो लीजिए और यहाँ से हम फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से दोस्तों हम आप अपने हिसाब से फोटो को सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से ये वाला फोटो हम करेंगे हाइड यहाँ से। और दोस्तों इस पे मैंने लॉन्ग आपको करना क्या, इस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर एक थ्री डॉट का निशान देखने मिल जाएगा, आपको थ्री डॉट के निशान पे क्लिक करना और यहाँ पे मूव टू सेव फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक पिन क्रिएट कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ से पिन बना लेंगे जो आप दोस्तों फोटो और वीडियो को हाइड करेंगे उसमें आपको दोस्तों देखने के लिए लगेगा वो पिन। तो दोस्तों यहाँ से हम एक पिन सेट कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। दोस्तों हमारा जो पिन था वो सेट हो चुका है। अब दोस्तों ये फोटो जो हाइड हुआ है वो कैसे देखेंगे आप, और फाइल्स में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको सेव फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है और जो आपने पिन बनाया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है और जैसे ही डाल देते हैं नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से दोस्तों आप वो फोटो देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में वीडियो को भी हाइड कर पाएंगे और इस तरह से वीडियो और फोटो को आसान तरीके से हाइड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो सुनकर मिली, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।